हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के बारे में। झारखंड जो कि अपने कोल प्रोडक्ट्स, रिच मिनरल रिसोर्सेज, खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट, फॉरेस्ट एंड गुड्स और अपने कल्चर और रिचुअल्स के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो में पहले ही बताया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं झारखंड के टॉप 5 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 5 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें पांचवें स्थान पर आता है साहिबगंज टू मनिहारी ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, साहिबगंज जो कि झारखंड के पूर्वोत्तरी छोर पर स्थित है, ये झारखंड का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ बंदरगाह स्थित है और जहाँ से गंगा नदी बहती है, और इसके उस पार बिहार का मनिहारी स्थित है, और इन दोनों शहर को जोड़ने के लिए बिहार और झारखंड सरकार साझा काम कर रही है। ये पुल 6 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो कि इस क्षेत्र में सुविधा प्रदान करेगा। चौथे स्थान पर आता है रांची का आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट। रांची की बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार को देखते हुए झारखंड सरकार रांची की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, और इसके तहत 200 किलोमीटर तक लंबा एक सर्कुलर रोड बनाया जाएगा, जिसकी लागत 7000 करोड़ होने की उम्मीद है। दोस्तों, तीसरे स्थान पर आता है देवघर एम्स। देवघर एम्स जो कि झारखंड का पहला एम्स होने वाला है, जो कि झारखंड और इस क्षेत्रीय हिस्से की मेडिकल सुविधा को सुनिश्चित करते हुए बनाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। इस हॉस्पिटल में सभी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जहाँ आज के समय में यहाँ के लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए पटना, दिल्ली, रांची या कोलकाता जैसे बड़े शहरों पर निर्भर हैं। आने वाले समय में देवघर एम्स एक अच्छे विकल्प के तौर पर लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, दूसरे स्थान पर आता है दालभोंगड़ एयरपोर्ट, जिसका निर्माण जमशेदपुर में किया जा रहा है। इसे जमशेदपुर के पुराने एयरफील्ड को रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया जाएगा। जमशेदपुर जो कि झारखंड के दक्षिणी छोर पर स्थित है, इसके नीचे उड़ीसा आता है, और इस रीजन में अच्छी हवाई सुविधा मौजूद नहीं थी, जिस वजह से इस एयरपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और इसे जल्द ही पूरा करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और दोस्तों, पहले स्थान पर आता है रांची टू हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत जो कि भारत के सबसे प्रीमियम ट्रेन्स के साथ साथ ये भारत के सबसे तेज ट्रेन्स में से एक है। इसे रांची से हावड़ा के रूट पर चलाया जाएगा, जो कि 10 घंटे का सफ़र 6.5 घंटे में पूरा करेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।